नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। अब जितिन प्रसाद के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और असम के सिलचर से पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपने के साथ ही अपना ट्विटर बायो भी बदलकर कांग्रेस की पूर्व सदस्य कर दिया है। हालांकि पिछले करीब 3 दशकों से कांग्रेस में जुड़ी सुष्मिता देव ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसके पीछे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि सुष्मिता देव कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी हैं। उनकी मां विधिका देव भी विधायक रह चुकी हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव की पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा कि युवा नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं और हम बूढ़े नेताओं को इसलिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। कांग्रेस पार्टी आंखें बंद कर आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता ने कहा है कि वो लोगों की सेवा का नया अध्याय शुरू करने जा रही है। साथ ही उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सुष्मिता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थी जिनके अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था। वहीं इस मामले में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी से जा रहा है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन जो पार्टी में आना चाहता है वो आसानी से कांग्रेस में जुड़ सकता है। ऐसे में आजकल ये भी लगाए जा रहे हैं कि सुष्मिता शायद टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जितिन प्रसाद के बाद प्रदेश में ये बड़ा झटका है। सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस के हाथ को छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके बाद सुष्मिता देव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उनके तमाम बयान सामने आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा जितिन प्रसाद के बाद ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और असम के सिलचर से पूर्व सांसद सुष्मिता देव ने भी पार्टी से अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपने के साथ ही अपना ट्विटर बायो भी बदलकर कांग्रेस की पूर्व सदस्य कर दिया है। आपको बता दें कि सुष्मिता देव भी ऐसी कांग्रेस की नेता थी जिनका ट्विटर अकाउंट जो है ब्लॉक हो गया था और जो टिक था वो हट गया था। हालांकि पिछले करीब 3 दशकों से कांग्रेस में जुड़ी सुष्मिता देव ने पार्टी क्यों छोड़ी है, इसके पीछे की वजह तो साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर अभी तक कोई बड़ी टिप्पणी सामने नहीं आई है। हालांकि प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन वजह क्या है वो साफ नहीं हो पा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया। आपको बता दें कि सुष्मिता देव कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी हैं। उनकी मां विधिका देव भी विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने सुष्मिता देव की पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा देने की जानकारी देते हुए कहा है कि युवा नेता लगातार कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अगर जितिन प्रसाद की बात की जाए तो यूपी में उनका दबदबा बहुत बड़ा था, कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा। उसके बाद अब सुष्मिता देव भी पार्टी को अलविदा कह रही हैं। ऐसे में कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा है कि युवा नेता जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जो जिम्मेदार ठहराया जाता है वो हम जैसे बूढ़े या वरिष्ठ नेताओं को ठहराया जाता है। कांग्रेस पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ रही है। अगर कपिल सिब्बल कहते हुए नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि कपिल सिब्बल काफी सालों से कांग्रेस में बने हुए हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। हालांकि कांग्रेस का विजन क्या है, आगे किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से अपनी पार्टी की मजबूती रखनी है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। सूत्रों की माने तो टीएमसी में जल्द ही शामिल हो सकती है सुष्मिता देव, ऐसी जानकारी लगातार मिल रही है। अगर टीएमसी में सुष्मिता देव शामिल होती हैं तो ये बड़ी हार कांग्रेस की मानी जाएगी, क्योंकि कई दशकों से कांग्रेस में ही सुष्मिता देव रही हैं और कांग्रेस के लिए तमाम कार्य उन्होंने किए हैं। तो वहीं सुष्मिता देव की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोगों की सेवा का नया अध्याय शुरू करने जा रही है। अब लोगों की सेवा वो किसी राजनीतिक पार्टी में रहकर करेंगी या कोई अलग तरीके से करेंगी, इस पर संशय बना हुआ है। इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन पूरी पूरी खबर ये सामने आ रही है कि वो टीएमसी में शामिल हो सकती है। हो सकता है कि टीएमसी में रहकर वो लोगों की सेवा का नया अध्याय शुरू करें, नया पन्ना एक और राजनीति की किताब में जोड़े।
साथ ही उन्होंने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है, तो इससे ये साफ है कि कांग्रेस में अब वो नहीं है। आपको बता दें कि सुष्मिता राहुल गांधी सहित कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थी जिनके अकाउंट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया था, और अभी 2 या 3 दिन पहले ही ब्लॉक से वो ट्विटर हैंडल जो है वो हटे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंशु अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशु जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। अंशु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अंशु जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बोलिए ना, सुन रहा हूँ। अंशु जी, सुष्मिता देव ने अब कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा झटका जितिन प्रसाद का पहले ही कांग्रेस को लग चुका है। आखिर कांग्रेस का विजन क्या है, किस तरफ पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, ये हमारे लिए निश्चित तौर पे एक काफी क्षति है, नुकसान है, क्योंकि सुष्मिता देव जी पिछले 30 साल से कांग्रेस पार्टी में रहकर लोगों की आवाज उठा रही थी और एक महिलाओं का जो सशक्तिकरण है कहीं ना कहीं वो कर रही थी जी। तो उनका जाना हमारे लिए दुखद है और निश्चित तौर से इसकी जो कमी है वो हमेशा रहेगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जो देश के नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर जो आवाज उठा रही है उठाती रहेगी। हमारा एक ही एजेंडा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अंशु जी, क्या कोई अंतर कला चल रही है? क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, ऐसे में जिम्मेदार इसका ठहराया जाता है वरिष्ठ नेताओं को। देखिए, ये सच है जो राहुल गांधी जी ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वरिष्ठ नेता है कहीं ना कहीं उनका जो एक लालच है पार्टी में जो स्थान नौजवानों को मिलना चाहिए उसको लेकर एक जो द्वंद चल रहा है उसको श्री राहुल गांधी जी बहुत पहले ही कह चुके हैं। हमारे अधिवेशन में भी उन्होंने कहा था कि बाहर के साथ साथ एक अंदर भी दीवार है, उसे तोड़नी। तो ये अंतर द्वंद है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं भी नौजवान हूँ और आज जो भी पार्टी में मुझे मिला वो राहुल गांधी जी की एक सोच है उनकी की युवा नेतृत्व के लिए आगे आए। देखिए अंशु जी, आप ये कह रहे हैं कि अंदर खाने एक और दीवार है पार्टी के अंदर। एक धड़ा ये कहता है कि युवाओं को ज्यादा तरजीह दी जाए, एक धड़ा ये कहता है कि वरिष्ठ जो नेता हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाए, लेकिन कांग्रेस कैसे आगे बढ़ सकती है? देखिए, यूपी का विधानसभा चुनाव इतना नजदीक है, ऐसे में यूपी में अपनी पकड़ बनाना बेहद जरूरी है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, देखिए यूपी में प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में अगर कोई सक्रिय है तो कांग्रेस पार्टी है। हम किसानों के मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं और जो बेरोजगार जिन पर भाजपा आदित्यनाथ जी लाठी चलवा रहे हैं जी सत्ता के अहंकार में, तो उन नौजवानों के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अब लोग बदलाव चाहते हैं, 2022 में कांग्रेस पार्टी को लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश। लेकिन अंशु जी, लेकिन देखिए बुरा मत मानिएगा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से युवा नेता अगर साथ छोड़ रहे हैं कांग्रेस का, तो क्या जनता विश्वास कर पाएगी कांग्रेस पर? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि सुष्मिता देव जी को पार्टी में रहना चाहिए था और उनको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। तो ऐसा क्या हो गया कि सुष्मिता देव पार्टी को छोड़ रही हैं? और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि टीएमसी में शामिल हो सकती हैं जल्दी सुष्मिता देव। देखिए, अब इसका जवाब तो सुष्मिता देव जी देंगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा जी कि निश्चित तौर से पार्टी के अंदर जो दीवार है जिसकी बात राहुल गांधी जी ने की थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। और जो नौजवान है जिनको राहुल गांधी जी आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज आप देखिए सरकार से कौन लड़ रहा है जी, कांग्रेस पार्टी में भी अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी के सिपाही लड़ रहे हैं और राहुल गांधी लड़ रहे हैं। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि सुष्मिता देव जी को पार्टी में रहना चाहिए था, 30 साल से वो थी पार्टी, उन्होंने बहुत सारा सम्मान दिया, महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, सांसद बनाया, उनको पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अंशु जी, कुछ नेता ऐसे जो हैं जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल अंशु जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन कुछ जो नेता हैं जो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, कई बार उनकी तरफ से कहा जाता है कि पार्टी में वो उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, इस वजह से वो नहीं रह रहे हैं पार्टी में। क्या ये एक वजह हो सकती है?
नहीं देखिए, सुष्मिता देव जी की अगर बात करें, पार्टी ने उनको सांसद बनाया, महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जी। उसके बाद असम के चुनाव में उनको मुख्य जिम्मेदारी दी जो उनका होम स्टेट था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी, इसका जवाब तो उन्होंने भी नहीं दिया है। तो हम आप बैठकर उस पर अगर कोई कल्पना करते हैं तो वो गलत होगा। मैं एक बार फिर से ये बात कहूंगा कि सुष्मिता देव को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए थी। पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं हम सबके लिए दुखद है और उनका जाना भी हमारे लिए दुखद है। बिल्कुल अंशु जी, जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुष्मिता देव जो हैं वो टीएमसी में शामिल हो सकती हैं, टीएमसी की बात की जाए तो एक बड़े विपक्ष के तौर पर वो भरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से ममता बनर्जी अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली आई थी और उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं से बातचीत की थी, क्या हो सकता है कि अब जो एक बड़ी बागडोर है वो टीएमसी के हाथों में जा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हमारे पास शानदार राहुल गांधी जी जैसा एक नेतृत्व है जो उत्तर देश के नौजवानों की बात करता है, किसानों की बात करता है, जो आम पीड़ित हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज उठाता है। कोई आप राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी बताइए जो भाजपा सरकार और मोदी की तानाशाही से लड़ पा रही हो। अगर कोई लड़ रहा है तो श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो इसलिए किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। और देश का जनमानस भी इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी लड़ने की ना तो हिम्मत रखता है ना क्षमता रखता है। देखिए, लेकिन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी तो अध्यक्ष बनने के लिए भी तैयार नहीं है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बने, लेकिन एक धड़ा ऐसा है कांग्रेस का जो ये कहता है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, लेकिन एक जो पद है वो चाहिए होगा राहुल गांधी को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर पद नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम होगा? देखिए, महात्मा गांधी जी के पास कोई पद नहीं था, ठीक है, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी से आप राहुल गांधी की महात्मा गांधी और राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं आप? मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपने पद की बात की, वो अपने आप में जन नेता है, उनके पास सबसे बड़ा जो पद है वो जनता का है। और आप देखिएगा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। चलिए अंशु जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी, जिनका ये कहना था कि हाँ, पार्टी में कहीं ना कहीं एक दीवार बनी हुई है, दो धड़े हैं। ये सभी जानते हैं कि वरिष्ठ नेता जो हैं वो ये कहते हैं कि वरिष्ठ नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती, दूसरी तरफ युवा जो हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में आगे कांग्रेस का विजन क्या है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से तमाम जो ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया, वो अब उनका दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे अब वो सुष्मिता देव हो। अगर वो टीएमसी में शामिल होती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। फिलहाल ये जवाब किसके पास, किसी के पास नहीं है कि आखिर सुष्मिता देव ने पार्टी क्यों छोड़ी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कोई ना कोई वजह जरूर है, अंदर खाने कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और कहीं ना कहीं मनमुटाव है। और इसी वजह से बड़े बड़े चेहरे जो पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी में थे, वो कांग्रेस का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। तो सुष्मिता देव ने हाथ का दामन छोड़ दिया है, अब वो टीएमसी का दामन थामेंगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है कि वो टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। ऐसे में ये जरूर देखा जा रहा है कि टीएमसी एक बड़े विपक्ष के तौर पर, राष्ट्रीय विपक्ष के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। नोएडा के फेज 3 क्षेत्र में अजनारा होम सोसाइटी के पीछे स्थित गड़ी चौखंडी गांव में सोमवार सुबह एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चियों की जान चली गई है, जबकि 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। इसके साथ ही घायलों का अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
जानकारी के मुताबिक कोतवाली फेज 3 क्षेत्र के कड़ी चौखंडी गांव में एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा 5 मंजिल बिल्डिंग बनाई गई थी। बिल्डिंग में कई फ्लैट हैं, जिसमें कई परिवार रहते हैं। इसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर दिनेश सोलंकी अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार सुबह 5:51 पर अचानक उनके फ्लैट में आग लग गई। आग की सूचना पर फेज 3 पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पे काबू पाने के प्रयास में जुट गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिनेश सोलंकी नाम के व्यक्ति के घर पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटें 5वीं मंजिल तक पहुंचने लगी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से स्थानीय पुलिस की मदद से अन्य फ्लैटों तक पहुंच रही आग पर काबू पाया गया और अन्य फ्लैट में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान दिनेश सोलंकी की 2 बेटियां 9 वर्षीय कृतिका और 12 वर्षीय रुद्राक्षी की आग की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दिनेश सोलंकी, उनकी पत्नी ममता सोलंकी और बेटा शिवाय को बचाकर यथात हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। काफी नुकसान हुए हैं, जो कि पूरे 3 लोग, 2 लड़की थी जो 13 साल की, वो खत्म हो चुकी है। जो 10 साल की लड़की, वो भी खत्म हो गई दम घुटने के बाद। जो कि आदमी फायर ब्रिगेड होता तो हमारा जान बच सकते थे बच्चे की साइड। और जो हस्बैंड वाइफ है, जो कि दोनों लोग ना वो काफ़ी उज्ज्वला सीखे हैं, तो वो अभी हॉस्पिटल में जो पुलिस वाले आए घंटा भर के बाद, उसके बाद उठा उसको ले गए। नहीं थाना फेज 3 अंतर्गत लगभग सुबह 5:45 एक प्राइवेट मकान में, जो कि अजनारा सोसाइटी की बैक साइड पे प्राइवेट मकान बना हुआ है, उसमें आग लग गई थी। और पुलिस को तत्काल जब सूचना मिली, तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल पहुंचा। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर दिनेश सोलंकी जी का परिवार रह रहा था, उसमें उनकी 2 बेटियों की दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी परिजनों को सेफली वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है और यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ऊपर की मंजिल में रह रहे लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि आग लग गई है, उन्होंने सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश की तो वहां धुआं छाया हुआ था। इस वजह से उन्होंने कपड़ों के रस्सी बनाकर ऊपर से ही अपने घर के लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वहीं जहां एक ओर नोएडा में एक फ्लैट में आग लगने की घटना सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी में देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में स्टेट बैंक में भी आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में बैंक का लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अमेठी के भारतीय स्टेट बैंक की तिलोई शाखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, लेकिन आग लगने की वजह क्या रही ये साफ नहीं हो पाया है। तो नोएडा के बाद अमेठी से भी आग लगने की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां अमेठी के एक बैंक में भीषण आग लगी, स्टेट बैंक के बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा बैंक जो है वो जलकर राख हो गया है। अंदर सारे दस्तावेज जो थे, जो जरूरी थे, वो भी जलकर राख हो गई हैं। सोमवार की वजह से जैसे ही तस्वीरें दिखाई दी, जैसे ही बैंक कर्मी यहां पहुंचे, तो अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इससे पहले नोएडा की भी तस्वीर आपने देखी थी, जहां पर एक फ्लैट में भीषण आग लगी, जिसमें 2 बच्चियां झुलस गई थी और उनकी मौत हो गई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिलोई शाखा का ये पूरा मामला, जहां पर देर रात ये भीषण आग लगी और इसके बाद सारा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर बैंक को काफी नुकसान हुआ है। आज सावन का आखिरी सोमवार है। इस मौके पर हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित भगवान शिव के ससुराल श्री दशेश्वर महादेव मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालु लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार, भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही मंदिरों में, शिवालयों में बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। इस कोरोना काल में हालांकि भीड़ भाड़ मंदिरों में कभी नजर आ रही है, लेकिन मास्क लगाकर लोग पूजा अर्चना करते हुए जरूर नजर आए हैं। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। लोग शिव से अपनी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए यहां पर
भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव का अति प्रिय बताया जाता है और ऐसे में जब सावन का सोमवार होता है उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन श्रद्धालु भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में उमड़ते हैं और अब तक भी तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन यहां शिव भक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 को लेकर मंदिर प्रबंधक द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और दूरी बनाकर जलाभिषेक करने का भी निवेदन किया जा रहा है। मंदिर की मान्यता यह है कि सावन के माह में पूरे शिव की पूरे एक महीने यहाँ रहते हैं। ऐसा शिव जी ने भगवान दक्ष को ऐसा वरदान दिया था कि पूरे श्रावण के महीने एक महीने में यहीं रहूँगा और लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रावण मास में मेला लगा रहता है। यहाँ लोग दूध दही जल और शहद मिश्री इत्यादि से भगवान का अभिषेक करते हैं, उनसे उनकी मनोकामनाएं सभी पूरी होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे सेफ्टी काफ़ी ध्यान है, मास्क वास्क भी सबने लगाए हुए हैं, बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वैसे मैं पहली बार आई हूँ 8-9 साल में, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, सब सीरियल वाइज चल रहे हैं और सभी श्रद्धालु अच्छे से पूजा कर रहे हैं। इसका बहुत महत्व है, यहाँ सभी श्रद्धालु बहुत श्रद्धा के साथ जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मानते हैं। यहाँ पे ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु बहुत, जैसे कि हमारे पुराणों में लिखा गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु अपनी जिज्ञासा और बहुत सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अभिषेक करते हैं। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है, भगवान शिव के मस्तक से गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए भगवान शिव के मस्तक पे श्रावण के महीने में गंगा जल चढ़ाने का महत्व है। किंतु ये भगवान शंकर की ससुराल है, भगवान शिव ने यहाँ अपने ससुर को ये वरदान दिया था। बरेली के थाना शाही क्षेत्र में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया। दरअसल 5 अगस्त को घर का सामान लेने गई एक युवती वापस घर नहीं लौटी थी तो घर वालों ने छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान घर वालों को एक रजिस्ट्री के जरिए पता चला कि लड़की का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। धर्म परिवर्तन का नाम आते ही बवाल शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद लड़की के माँ बाप ने SSP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वही जब पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया तब पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस जांच में जुट गई, पर जब तक मामले की छानबीन हो पाती तब तक अगवा हुई लड़की ने इस्लाम धर्म कबूलने की बात करते हुए अपने शौहर के साथ एक वीडियो वायरल कर अपनी और अपने शौहर और अपने शौहर के घर वालों के लिए सुरक्षा की मांग कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, माता पिता जो हैं वो लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो कैसा है आप भी देखिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी पवन कुमार मेरे साथ बरेली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, ये पहले मामला धर्मांतरण का लग रहा था, माँ बाप SSP ऑफिस पहुंचे थे और न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वायरल वीडियो में तो कुछ और ही मामला नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से 5 अगस्त को ये लड़की अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी, उसके अगले ही दिन उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया गया है और उसका धर्मांतरण करा दिया गया है। लेकिन अभी बीते दिनों बेटी ने जब वीडियो वायरल किया तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हो गया। पवन, देखा जाए तो कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर पहले तो धर्मांतरण की बात की जाती है, उसके बाद ये पता चलता है कि लड़की ने खुद ही इस्लाम कबूल किया है और शादी कर ली है, इसके बाद फिर वीडियो वायरल कर दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर क्यों हो रहा है, क्या जागरूकता की कमी है या कोई और वजह हो सकती है इसके पीछे। जी, ऐसा ही मामला ये सामने आया है जो उसमें भी लड़की ने अपना वीडियो वायरल कर अपनी स्वेच्छा जताई है और बताया, अपने घर वालों को बताया है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कोई रिपोर्ट दर्ज की जाए और पुलिस से न्याय की गुहार लगाती नजर आई है और उसने अपने साफ साफ बताया है कि मैं मानसी रसोगी हूँ और मैंने अपना धर्म परिवर्तन अपनी स्वेच्छा से किया है और मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ और उसके साथ खुश हूँ। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पहले धर्मांतरण की कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी कि माँ बाप SSP ऑफिस पहुंचे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी लड़की को अगवा कर लिया गया है, उसका धर्मांतरण कराया गया है। इसके बाद लड़की ने अपने शौहर के साथ एक वीडियो वायरल किया
और उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं, कहां कमी है, क्या जागरूकता की कमी है या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। लेकिन बिना जांच पड़ताल के, बिना यहां पर देखरेख किए इस तरह से धर्मांतरण को और ज्यादा बढ़ावा देना या इन खबरों को और ज्यादा फैलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बरेली का एक पूरा मामला था जहां पर धर्मांतरण का सच क्या था वो सामने निकल कर आया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।